रोहित शर्मा कप्टनसी इज इन डेंजर और विराट कोहली जो एक लेजेंड है क्रिकेट के, हार्दिक पांड्या एक सब्जेक्ट बना हुआ है उस रोहित शर्मा शायद अब क्रिकेट नहीं खेल पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो है जो कि ब्रेकिंग न्यूज भी है एक तरीके से। और मुझे तो देखो काफी सुन के बात खुशी हुई कि और शायद आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता हो कि भाई विराट कोहली जो एक लेजेंड है क्रिकेट के वो ऑफिशियली हो चुके हैं कि भाई वो T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो जून में आ रहा है वो खेल रहे हैं। और रोहित शर्मा के बारे में भी रूमर्स काफी चल रहे थे। यार रोहित शर्मा के बारे में काफी रूमर्स आ रहे थे कि रोहित शर्मा कप्टनसी इज इन डेंजर और रोहित शर्मा शायद अब क्रिकेट नहीं खेल पाए, इस तरह के रूमर्स आ रहे थे। लेकिन उसकी भी एक बात की खुशी हुई कि भाई ऑलमोस्ट रोहित शर्मा भी कंफर्म हो गए हैं कि भाई 2024 का T20 वर्ल्ड कप वो सिर्फ खेल नहीं रहे बल्कि वो एज अ कप्तान जा रहे हैं खेलने के लिए। तो ये ज्यादा अच्छी तो बात ये है। मैं तो बड़ा इस चीज से बड़ा खुश हुआ हूँ। और अब तो तुम्हें क्या समझते हो कि साउथ अफ्रीका वाली या अफगानिस्तान वाली जो सीरीज है, देखो अभी अभी तो ये ऑस्ट्रेलिया वाली आज से स्टार्ट हो रही है T20 सीरीज, इसके बाद इंडिया को टूर करना है साउथ अफ्रीका का, उसके बाद अफगानिस्तान। उसमें लेकिन उसमें ऐसा होता है कि शायद उस साउथ अफ्रीका वाले टूर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को रेस्ट कराया जाए। ठीक है, अब हार्दिक पांड्या एक सब्जेक्ट बना हुआ है उस इंजरी के हवाले से, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि शायद 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें हार्दिक पांड्या इंडियन टीम को लीड करे। ठीक है, तो गौतम गंभीर ने भी एक स्टेटमेंट दिया। गौतम गंभीर से पूछा गया तो उन्होंने अपनी चॉइस बताई है कि भाई नॉट हार्दिक पांड्या, वो अपना कप्तान, उनको ओपनर चाहिए रोहित शर्मा जो टीम को लीड करे T20 वर्ल्ड कप 2024 में। आप लोग बताएं हार्दिक पांड्या होना चाहिए या रोहित शर्मा? यार मेरे हिसाब से देखो जिस हिसाब की रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस रही है वो बंदा यार 50 ओवर वाले गेम को भी T20 समझ के खेलता है। तो आप सोचो T20 को कितना और अच्छा। रही बात कि भाई विराट कोहली का तो मैंने उसको बोला था ऑलमोस्ट कंफर्म था कि यार ये खेलेगा T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि यार MCG की इनिंग याद करो अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके 83 जो रन मारे थे 82 मारे थे, उसके बाद ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस देखो कि उसकी अच्छा। तुम एक बात और बताओ, T20 2022 के बाद भी कुछ प्लेयर्स जो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप होता है लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो उसके बाद से T20 फॉर्मेट नहीं खेल सके। ठीक है, उसमें से एक KR राहुल है, उसमें से एक विराट कोहली है, उसमें से एक रोहित शर्मा है। ठीक है, और हाँ शॉर्टेस्ट टूर्नामेंट उन्होंने मैचेस वगैरह लीग वगैरह खेले हैं। ठीक है, लेकिन T20 प्रॉपर नहीं खेल पाए। अच्छा, ये हार्दिक पांड्या का कब तक कंफर्म हो जाएगा, अफगानिस्तान वाली सीरीज में जाएगा या साउथ अफ्रीका वाली सीरीज? साउथ अफ्रीका में तो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इंजरी काफी अभी उनकी सीरियस हुई हुई है, वो फिट मतलब फिट है लेकिन वो फील्ड में नहीं आ सकते हैं जहां तक उनको रिपोर्ट आई है। अभी अफगानिस्तान वाली सीरीज में शायद हो सकता है हार्दिक पांड्या आ जाए, फिर उनकी कंफर्म भी हो जाएगा कि भाई क्या सीन है। लेकिन मैं जहां तक लग रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो गौतम गंभीर ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है, ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप सिर्फ खेल नहीं रहे बल्कि वो एज अ कप्तान भी जा रहे हैं उसको खेलने के लिए। विराट कोहली भी, ये दो जो नाम है इंडियन टीम के बड़े। ठीक है, KR राहुल। अच्छा, KR राहुल का ये है कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में मैंने जैसे आपको बताया कि रोहित शर्मा विराट कोहली रेस्ट होंगे तो उनकी किस्मत चमक गई है। बोलो कैसे? कैसे? क्योंकि उनको कप्तानसी दी जा रही है उस सीरीज में ODI की। ठीक है, KR राहुल को, और रूमर्स ये है कि शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया जाए ODI सीरीज जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अच्छा, इंडिया है, ऑप्शन अच्छा है। और KR राहुल की यहाँ परफॉर्मेंस के बारे में, ये KR राहुल की किस्मत इससे चमक गई क्योंकि फिर उस सीरीज से मैटर होगा कि भाई आफ्टर T20 वर्ल्ड कप जो ODI के फॉर्मेट्स आते हैं तो उसमें कप्तान इंडिया किसको चूज करेगा। तो अगर KR राहुल अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं इस साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया के बाद है तो शायद KR राहुल भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारी भाई ये मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करनी चाहिए, हो सकता है आप सब लोगों को बताओ, लेकिन भाई मुझे खुशी हुई कि चलो यार वापसी से एक हम देखो हम रिलेट कर पाते हैं विराट कोहली रोहित शर्मा से, हम मतलब रिलेट कर पाते तो मजा आएगा। काफी मैं एड में बात करूंगा, करनी नहीं चाहिए वैसे इस वीडियो में। यार एक मैंने सीरीज देखी रेलवे मैन नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, वो भोपाल के ऊपर भेजे कि कोई गैस लीक वगैरह हुआ था भोपाल में 1984 में, तो उसमें एड में बताया कि अभी भी वो प्रॉब्लम है भोपाल के अंदर, तो अभी भी ऐसा है कि वो सांस लेने से मसला हो जाता है। चलो वो अलग से कभी लाइव वीडियो में कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।